हुजूर, ये ना खत्म होने वाली जंग हमारी कमर तोड़ देती है। कोई भी ताजिरों और कारीगरों का हाल नहीं पूछता। यही हाल सौत का है। हालात जंग की वजह से हमारी तमाम फसलें तबाह हो चुकी हैं। अमन जरूरी है, लेकिन उस्मान साहब के होते हुए ये नामुमकिन है। हम सब गेहातू को लेकर बहुत परेशान हैं। अगर अनातुलिया से हमारा राब्ता मुनकता हो जाता है तो हम वहां तिजारत नहीं कर पाएंगे, फाकों से मर जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि इसका कोई हल तलाश करें? आपके अलावा इसका हल कौन तलाश कर सकता है हुजूर? हमारे सरदार अर्तुरुल गाजी से मशवरा करें। अगर अर्तुरुल साहब ठीक होते तो क्या हमारी सूरतहाल ऐसी होती? जिसके पास मोहर है वही सुलेमान है। मोहर जब उनके पास है तो हम क्या कर सकते हैं? साउची साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मामलात को ठीक करने और उस्मान को इन मामलात से रोकने के लिए हमें नए सरदार का इंतखाब करना होगा। चचा जान, अल्लाह उन्हें जिंदगी थे, बाबा के होते हुए मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। और ये भी याद रखें, उस्मान भी इसकी मुखालफत करेगा और ऐसा करने पर वो बिल्कुल हक पर होगा। अपनी सिमत का इंतखाब कर लें गुंदूर साहब, इंतखाब ना करने वाले आप वाहिद रह गए हैं। तुम अभी भी नहीं समझे तो चलो समझा देता हूं। मैं अर्तुरुल गाजी की तरफ हूं। शुक्र है अल्लाह का, जब तक वो हयात है मैं सरदारी का लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। हाँ साउची, तुमने बड़े भाई की बात नहीं सुनी और अभी भी उस्मान से लड़ रहे हो। ये बात अच्छी तरह जान लो, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आप, मैं अपने बाबा के साथ हूं। जब वो वक्त आएगा और जिसकी तरफ बाबा इशारा करेंगे, मैं आखिर तक उसी का साथ निभाऊंगा। इजाजत चाहता हूं मैं। कम से कम उसने अपनी सिमत का तो बताया। आप सबको भी अपने अपने सिमतों का बताना होगा भाइयों। क्या आप सब हजरात एक ना खत्म होने वाली जंग चाहते हैं या फिर पुरअमन मजबूत और मुत्तहिद कबीला? उस्मान और बामसी साहब वो माफ नहीं करेंगे। बामसी साहब से मैं बात करूंगा, मुझे यकीन है वो मेरी बात सुनेंगे। उन्हें सुनना पड़ेगा।